नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ खबरें विस्तार से। पत्थरों को चीरकर मेरे बेटे को नया जीवन दिया है, आप मेरे लिए भगवान हैं, यह बात जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल की मां ने मुख्यमंत्री से कही है। दरअसल सीएम बघेल राहुल को देखने जब बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे तो जनप्रतिनिधि, अधिकारी, डॉक्टर, स्टाफ सहित हर किसी की आंखें नम हो गईं। वजह, मुख्यमंत्री को देखकर राहुल की मां गीता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गीता ने कहा कि आप हमारे लिए भगवान समान हैं, आपकी टीम ने पत्थरों को चीरकर मेरे बेटे की जान बचाई है, आप सबको, आपके बच्चों को हमारा परिवार जीवन भर दुआएं देगा। वहीं मुख्यमंत्री करीब 5 मिनट तक आईसीयू में रुके और मां की बातें ध्यान से सुनते रहे। सीएम ने कहा कि ये हमारा फर्ज था, हमारे लिए एक नागरिक की जान अनमोल है। साथ ही सीएम ने कहा कि राहुल की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स को राहुल का बेहतर और समुचित इलाज करने के निर्देश भी दिए हैं। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको बता दें, पुष्यमित्र भार्गव ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के बाणगंगा निवास पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया। दरअसल विष्णु प्रसाद शुक्ला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। करीब 3 दशक पहले उनका बोलबाला रहा है। आपको बताते चले, सन 1990 में उन्होंने विधानसभा 2 से कांग्रेस के दिग्गज सुरेश सेठ से चुनाव लड़ा था, जो कि उस दौरान ये चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा था। आपको बता दें, इस चुनाव में सुरेश सेठ ने जीत हासिल की थी, लेकिन खास बात यह है कि विष्णु प्रसाद शुक्ला से हर चुनाव में प्रत्याशी उनसे आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। वहीं भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव भी अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेने पहुँचे। इस दौरान भार्गव ने पहले उन्हें हार पहनाया और आशीर्वाद लिया। वहीं विष्णु प्रसाद शुक्ला ने भी उन्हें हार पहनाकर श्रीफल व नेक भेंट कर मुँह मीठा किया। इस दौरान परिवार के भाजपा नेता गोलू शुक्ला भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि विष्णु शुक्ला भले ही भाजपा से जुड़े हों, लेकिन बेटे संजय शुक्ला को भी वे प्रचार के लिए निकलते हैं तो उन्हें भी आशीर्वाद जरूर देते हैं। बहरहाल, भार्गव ने इसके पहले पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन व कैलाश विजयवर्गीय के घर जाकर उनसे मुलाकात की और जीत का आशीर्वाद लिया। डिंडोरी के राष्ट्रीय मंत्री और नगरीय निकाय चुनाव में जबलपुर संभाग के संयोजक ओम प्रकाश ध्रुवे ने डिंडोरी में प्रेस वार्ता कर कटनी और छिंदवाड़ा संभाग के पार्षद प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने विकास कार्यों के दम पर भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। हमारी पार्टी औरों की तरह नहीं है, औरों की कथनी और करनी में फ़र्क होता है, लेकिन बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। जबलपुर संभाग संयोजक का दायित्व दिया गया है। इसी कार्यक्रम में जबलपुर संभाग में 3 नगर निगम, जबलपुर महानगर और कटनी और छिंदवाड़ा, तो प्रथम सूची में कटनी और छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के पार्षदों की सूची माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा जी, माननीय संगठन महामंत्री गीतानंद शर्मा जी के निर्देशानुसार हमने पार्षदों की सूची तैयारी। सागर में पंचायत चुनाव के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय सरपंच बनने की होड़ लगी हुई है, जिससे पूरा चुनावी माहौल गर्माया हुआ है। लोग दिन रात एक करके अपनी दावेदारी ठोककर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, साथ ही जनता को लुभाने के लिए अनेकों प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत नहर महू की, जहाँ ग्रामीणों ने एक मत होकर कहा कि गाँव में पानी की समस्या बहुत गंभीर है, लोग 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी भरने जाते हैं। हम तो वही यही मुद्दा लेकर लड़ रहा है कि हमारे गाँव बस्ती में पंचायत में जल की बड़ी समस्या है बहुत पहले से। जी जी, तो हम तो उसको लेकर चल रहे हैं कि अगर अपन चाहे जनता ने, गांव वालों ने, पंचायत वालों ने, तो अपन उसको जल की कर भी तक जाए। तो ये जल की व्यवस्था पिछले लोगों ने की नहीं या फिर किसी कारणवश हुई नहीं? नहीं करे, दो एक बोल करे सक्षम प्रयास नहीं, प्रयास नहीं हो रहा, उसको ज़्यादा प्रयास भी नहीं कर रहा जी। तो ऐसे को करने हैं अपने खिलाने के जो भैया गाँव को विकास कर सके। जी जी, पुराने काम डले हैं पिछड़े बे हो जाए पूरे, आगे भविष्य में और कछु कर सके जन। जी जी, अब ऐसे को कर दे के जिन पे कौन से बोल तो ही नहीं मने, कौन से बतिया तो नहीं मने, अधिकारियों से मिलते तो नहीं मने, जिनने केसरी की गेल नहीं देखी अभी सागर को दौड़ा रहे। जी जी, बेका कर रहे हैं। तो आपका मतलब है कि आप ऐसा, अपन ऐसे प्रत्याशी को बने भी जो कम से कम 4 जनों से मिल सके, जी बाहर जाके संपर्क कर सके, संपर्क कर सके। जैसे है कि अपने यहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा परेशानी है। जी जी, परेशानी वो दूर हो जाए तो मतलब ऐसा आदमी चाहिए जो अपनी परेशानी दूर कर सके। उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, युवा हो, एवं जो अधिकारियों से बात करने की क्षमता रखता हो,
जो अपने ग्राम क्षेत्र में विकास कर सके और जो अधिकारियों से बात कर सके। और सबसे प्रमुख समस्या है नाहरमंग में पानी की समस्या। नाहरमंग में नल जल योजना का अभी तक कोई अता पता नहीं है। केवल पानी यहाँ कुओं से ही प्राप्त होता है, नलकूप एक भी नहीं है। ईडी मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर राजभवन का घेराव किया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा जांच की जा रही है और इससे इस कांग्रेसियों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। कानून की नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है, वहीं इस जांच को रोकने में कांग्रेस सफल नहीं होगी। मुझे लगता है कि इसमें न प्रदर्शन की आवश्यकता है, ये तो एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ईडी संस्था कब से है आपको मालूम है, और ईडी के द्वारा जो जांच की जाती है, एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था के द्वारा जांच की जा रही है, और मुझे लगता है कि इससे विचलित होने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। चाहे आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कानून के परिधि से कोई बड़ा नहीं है। और इसलिए जब कांग्रेस के यूपीए के भी लंबे समय तक सरकार रही, तो क्या ईडी ने काम करना बंद कर दिया था? और जो संस्था काम कर रही है तो आज उनको इतनी आपत्ति क्यों? शाहजहाँपुर में 17 जून से स्कूल खुलेंगे, ये जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी अभिलाष कुमार चतुर्वेदी ने दी है। आपको बता दें कि जिले में 6 सीएम राज्य स्कूल हैं जिनको 17 जून से शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का पुष्पमाला देकर स्वागत किया जाएगा। में भी हम प्रवेशोत्सव मना रहे हैं, लेकिन विशेष जो हमारे मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो हमारा लक्ष्य रखा गया है, इस दृष्टि को रखते हुए जो मध्य प्रदेश शासन ने 6 सीएम राइज दिए हैं उसमें से जिले स्तर का जो सीएम राइज है वो हमारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 है। यहाँ पर हमारी पूर्ण तैयारियाँ हो गई हैं, जैसे कि शासन के निर्देश थे उस दृष्टि से तैयारी हो गई है। कल हम बच्चों का वेलकम करेंगे, उनके अभिभावकों का भी वेलकम करेंगे, और जो हमारे शिक्षक हैं वो भी इस दृष्टि से तैयार हैं कि जो हमारे बच्चे आएंगे उन्हें हम आनंददायी वातावरण में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए हम कटिबद्ध हैं और उसी के लिए हमारी संपूर्ण तैयारियां सुनिश्चित होंगी। दुर्ग जिले में आज से निजी और सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। शाला प्रवेश उत्सव के साथ ही स्कूलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सीबीएसई स्कूल में 17 अप्रैल में ही शुरू हो चुका है, लेकिन पूरे 1.5 महीने बाद दोबारा स्कूल खुलने के लेकर बच्चे उत्साहित हैं। वहीं बाजार में भी स्कूली बच्चों की भीड़ रही है। साथ ही विभाग के अधिकारियों ने स्कूलों का निरीक्षण कर बच्चों की उपस्थिति, शिक्षा स्तर के बच्चों के सीखने की क्षमता को लेकर निर्देश दिए हैं। खासकर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि जिले में प्राइमरी छात्रों की संख्या 1,44,833 तो मिडिल छात्रों की संख्या 86,652 है। वहीं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 1,01,761 बच्चे हैं। कल पूरे ऑलमोस्ट 1.5 महीने के गैप के अंतराल बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, उसके लिए सभी स्कूलों में आवश्यक साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिले में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जाएगा। इस साल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की भी संख्या काफ़ी बढ़ी है, तो वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्कूलों में भी यह प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। एक अच्छा माहौल, एक अच्छे उद्देश्य के साथ स्कूल चालू करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां पुलिस को आकस्मिक परिस्थिति में निपटने श्रीराम घाट के पास बलिया पुलिस को बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बलिया ने पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरण, रबर बुलेट गन, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन सहित अन्य शस्त्रों के संबंध में जानकारी साझा की है। साथ ही दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का परीक्षण भी किया गया है। इस दौरान समस्त चौकी इंचार्ज व अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे हैं। देखिए, समय समय पे जनपद पुलिस के द्वारा विभिन्न टाइम पे बलवा ड्रिल और अन्य ड्रिल करवाई जाती है। आज भी हम सब जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, विभिन्न थानों से हमने अपने सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स को बुलाया गया है, जिनको मुख्य रूप से जो हमारा नॉन लीथल एम्यूनिशन है और हमारा बलवा ड्रिल या जो अन्य हमारी ड्रिल्स होती हैं जिसको लेकर के हमको भीड़ पे अगर नियंत्रण पाना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें किन किन नियमों का हमको ध्यान रखना होता है, उन चीज़ों के लिए करके सबको बुलाया गया है, ताकि सब लोग यहाँ से वापस जा करके अपने थाना क्षेत्र में जो बाकी के सिपाही हैं अपने थाने पे पोस्टेड, उन लोगों को भी इसके बारे में बता सकें। और समय समय पे हमारी ये कार्रवाई होती है, जिससे हमारी कोशिश होती है कि सब थाने के लोग कवर हो जाएं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आधा दर्जन लोगों को सरकारी मकान दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि पूरा मामला थाना तेली बांधा का है, जहां आरोपी श्यामू चैलक ने खुद को रायपुर नगर निगम का कर्मचारी बताकर आवास का आवंटन कराने का झांसा देकर लोगों से 5,11,500 रुपये ठग लिए। मकान न मिलने पर जब लोगों ने पूछ परख की तो पूरे मामले का पता चला। मामले की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। प्रार्थी सुहेल अंसारी के द्वारा थाना तेली बांधा में रिपोर्ट की गई थी कि श्यामू चेलक ने अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बताते हुए नगर निगम के अधिकारियों से पहचान होने की बात कह के RDA में मकान दिलाने के नाम पे उससे 65,000 रुपये लिए हैं और इसी प्रकार अन्य लोगों को मिला के कुल 5,11,000 रुपये लेकर ठगी की है और ना ही उसने पैसे वापस किए और ना ही उनको कोई RDA का मकान ही अलाट करा पाया, जिस पर रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया तथा आरोपी श्यामू चेलक को हिरासत में लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली के केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में हुए लाठीचार्ज और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर बार बार ED द्वारा पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रायपुर में शुरू हो गया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेता अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां कांग्रेस पैदल मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। साथ ही रायपुर में मंत्री शिव डहरिया ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस के प्रवेश पर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके चलते मतदान और निर्वाचन कार्यों से जुड़े सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए COVID-19 के प्रिकॉशन डोज का शिविर लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को डोज दिया गया है। शहडोल जिले के जैतपुरा गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान वृद्ध दीवार की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सरकारी अमला सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। खास बात यह है कि जो बुजुर्ग घायल हुए हैं उनके ही अतिक्रमण को हटाने सरकारी अमला पहुंचा था। तो कहीं नहीं गिरी यह दे यही हम गिरवावे खैन इतना देसा हम कहूँ ऐसा कि हम इस सबके डांट के आगे लगा दे जितना है तो मैं बोले हूँ इन सब गलत तहसील ही के रही ना थाना वाले पूरा पुलिस रहे हैं। हाँ तो कहीं से ना गिराबा इतना यहाँ गिराबा सब सामान सगली यहाँ के सह के करत रहे हैं और पता नहीं कि मैं वही जैसे है दीवाल मन चीज न रोक कहीं तो तुम फिर घुसेर के हो या मैं ट्रैक्टर पे ला दिया। तहसीलदार खुद रही इन पुलिस वाले सब रहे नोटिस जारी की जा चुकी है और 2-3 बार नोटिस चस्पा किया गया था। आज उन्होंने तत्काल अपने इसको करके कल उसमें कि इनको टाइम दिया गया था हटाने का, उसने हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया फिर जांच के बाद जो भी होगा उसमें निमंत्रण है। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से है, जहां लोग जमीन से निकलते पानी को देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला नया खेड़ा गांव का है, जहां देवी मंदिर के पास अचानक से जमीन से पानी निकलने लगा है तो ग्रामीणों ने उसे जल देव समझकर उसकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दी है। वहीं कुछ लोग इसे पाइपलाइन का पानी बता रहे हैं। फिलहाल निकलते पानी को देखने लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये पानी निकला है मड़िया के पास, कब से निकला है? कल 4 बजे से थोड़ो ऐसे चील टाइप की आई तो हमने जानी के कोई ना पानी को ले दो भाई हिसाब से फिर कोई चर्चाई बंद हो गई। फिर सुबह 6 बजे से बहुत ज़्यादा निकलने लगो, इसलिए फिर हम लोग आए ऐसी भाई के शायद कोई कला हैगी यहाँ। क्या लगता है कि नर्मदा जी का पानी है क्या है? अब जो तो ऊपर वाला जाना किस काय का पानी है, अपन तो जय जान के जल्दी वो आ गए हैं गांव में विराजमान हैं, आप लोग सब दर्शन करें। UP के बुलंदशहर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिस पर 9 मुकदमे पंजीकृत हैं। वहीं फरार आरोपी पर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक परिवार की उस खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब बारातियों से भरी गाड़ी कुएं में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि बारात जब शादी से वापस लौट रही थी तभी मोहखेट के कोड़ामऊ के पास अचानक बाइक सवार सामने आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
और वहाँ से वापस लौट रहे थे बोलेरो गाड़ी में, जो है 10 लोग थे जिनमें 7 व्यक्ति, 2 बच्चे और 1 महिला थी। थोड़ा पानी गांव है उसके आगे जो है और भाजी पानी के बीच में जो है एक मोटरसाइकिल जा रही थी जिसमें 3 लोग थे। मोटरसाइकिल से टकरा करके बोलेरो गाड़ी जो है वो रोड से किनारे में जो कुआ है कुआ में गिर गई और उसमें 7 व्यक्ति जो है खत्म हो गए हैं, जिनमें 6 व्यक्ति हैं और 1 बच्चा है, छोटा बच्चा है। 3 लोग जो हैं बचे हैं, महिला उसका बच्चा और 1 और व्यक्ति, उसका उपचार चल रहा है। और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो लोग भी जो है घायल हुए हैं, उनका भी उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्योंकि SP साहब, कलेक्टर साहब भी आए थे और डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए और घटनास्थल भी गए थे, वहाँ से भी। सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर गणेशपुर में ट्रैक्टर रोडवेज बस की जबरदस्त टक्कर हुई। घटना के दौरान ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बिहारीगढ़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक जनपद हरिद्वार के बंजारे वाले का निवासी है। मामला कोतवाली मिर्जापुर के गाँव कुशालपुर का है, जहाँ दो ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई जिसमें एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए, जिसमें ट्रक की खिड़की को कटर से काटकर ड्राइवर को बमुश्किल निकाला गया। आपको बता दें, हादसा सहारनपुर विकास नगर मार्ग मिर्जापुर का है। राहगीरों की सूचना पर घायलों को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गोंडा में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस व SOG टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने 3 शातिर पेशेवर डीजल चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिरों के पास प्लास्टिक जेरिकेन, ड्रम, डीजल मशीन पाइप, फर्जी नंबर प्लेट, स्कॉर्पियो सहित कार बरामद की है। शातिरों से पूछताछ में पता चला है कि वह हाईवे के किनारे ढाबों के पास खड़े वाहनों का डीजल चोरी कर इकट्ठा करते हैं और दूर दराज ले जाकर कम मूल्य में बेच देते हैं। इससे जो पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लेते हैं। पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जनपद गोंडा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी के तहत SOG टीम कोतवाली नगर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीजल चोरी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से भारी मात्रा में प्लास्टिक के जरकन, 7 प्लास्टिक के जरकन जिसमें करीब 500 लीटर चोरी का डीजल है, 2 गाड़ियां बरामद की गई है और जो इंस्ट्रूमेंट ये इस्तेमाल करते थे गाड़ियों खोलने के लिए वही बरामद किया गया है। ये जो शातिर अपराधी हैं राजेश सोनू और मातादीन दीक्षित, ये लोग जो हाईवे के आसपास या रोडों के आसपास जो वाहन खड़े रहते थे ट्रक इत्यादि, उनको पेचकस रेंज की मदद से उसकी जो डीजल की टंकी है उसको खोलते थे और फिर वहां से डीजल अपने जरकनों में भर के चोरी करते थे और उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाके सस्ते दामों में बेच देते थे। लंबा इंतजार कराने के बाद आखिरकार मानसून ने प्रदेश के सतना जिले में दस्तक दे दी है। गुरुवार को जिले के कई इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में कमी आई है। साथ ही आपको बता दें कि लंबे समय से बारिश न होने की वजह से लोगों के हाल बेहाल थे, अचानक हुई इस बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। खबर शाजापुर से है, जहां खोखला कला में तूफान के चलते ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया, तेज हवा के साथ बारिश हुई जिसमें किसान विनोद गर्ग का सौर पावर प्लांट स्टैंड सहित हवा में उड़ गया। जहाँ ये सौर ऊर्जा स्टैंड गिरा, वहाँ रखी 2 मोटरसाइकिल भी सौर ऊर्जा स्टैंड के नीचे दब गई। सर, परसों के रोज हवा पानी ज्यादा भयंकर था, उस कारण से सोलर प्लेट वगैरह लगी हुई थी तो वो भी पूरी डैमेज हो गई। वहाँ से जहाँ लगी हुई थी वहाँ से इतनी हवा तेज थी कि वो दूसरी जगह कम से कम 100 फीट दूर जा कर के गिरी। उसके साथ में पेड़ पौधे भी काफ़ी नुकसान हुआ, दीवार वगैरह भी डैमेज हो चुकी। एक गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पे जुपिटर जी, वो भी पूरी बेकार हो गई। इस प्लेट से टकराने के कारण प्लेट उसके ऊपर आ गई थी तो सोलर प्लेट का ज़्यादा नुकसान है। उसके बाद में गाड़ी का भी काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है और वहाँ से चलो तो पेड़ पौधों में भी नुकसान है। देश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। कुछ दिन पहले हुई हल्की बूंदाबांदी ने गर्मी कम करने के बजाय उमस और बढ़ा दी है, जिसके चलते गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पार्कों में आसरा ले रहे हैं। शाम होते ही सभी उम्र और वर्ग के लोगों का जमावड़ा पार्क में लगने लगता है, जहाँ कुछ लोग केवल ठंडक पाने के इरादे से पार्क आते हैं तो कुछ व्यायाम और योग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MKN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।